नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह, कैमरामैन मनीष सिड्डाम के साथ हम लोग पहुंचे हैं उमरेड विधानसभा के ऊटी गांव में। अब यहां पे एक बहुत छोटा सा एक गांव है, कुछ लोग यहां बैठे हुए हमें दिख रहे हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, युवाओं से, कि विधानसभा का मूड क्या है, माहौल क्या है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ना कोई जाके किसी बड़े चौक चौराहे पे लेके लोगों से उनकी जनता की राय देते हैं, लेकिन हम ये तो करेंगे ही, साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे गांव हैं जहां कोई पहुंच नहीं पाता वहां के मतदाताओं के बारे में जानने के लिए कि वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर छोटे गाँव के जो लोग हैं जहाँ तक कैमरा नहीं पहुँच पाते जल्दी, वो लोग क्या सोचते हैं। हालाँकि ये गाँव ऊटी नाम बताया जा रहा है इस गाँव का, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। भैया, ये कौन सा गाँव है? ऊटी। ऊटी, चांपा ऊटी। चांपा ऊटी। उमरेड यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? ऐसे 18 किलोमीटर है। बाटा है, प्रमोद गढ़े ने सबकी मदद की है। मतलब प्रमोद गढ़े यहाँ पे मदद की है? तो 5 साल से भी मदद कर रहे सबकी, ने तो ज्यादा तो हुए नहीं थे। हाँ। फिर भी मदद कर रहे थे सबकी। अच्छा, ये भी लेकिन तो मदद कर रहे थे तो आना चाहिए थे। प्रमोद गर्डे का लगता है कि काम अच्छा है आपको? हाँ, लगता है काम अच्छा है। अच्छा, आपको आपको क्या लगता है किसका काम अच्छा है? प्रमोद गर्डे। प्रमोद गर्डे, आपको क्या लगता है? प्रमोद गर्डे क्या करते हैं? वो समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा करते हैं। जैसे क्या करते? जैसे ये कोई भी काम गाँव में, कोई से भी काम मदद करते हैं, कोई किसी को मदद रहो, कोई जाता है तो उसकी मदद करते हैं। हाँ, करते हैं, मदद करते हैं। अच्छा अच्छा, आप जानते हैं क्या कौन कौन खड़े हैं? कुछ भी नहीं पता आपको? मैं तो कंपनी में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, कौन किसको फाइट देगा यहाँ से? लग रहा है यहाँ से फाइट तो राजूबाबू पारवे के साथ में रहेंगे। प्रमोद गढ़े, राजूबाबू पारवे नहीं है इस बार, सुधीर पारवे। सॉरी, सुधीर पारवे के साथ में। हाँ। प्रमोद गढ़े रहेंगे। प्रमोद गढ़े। और संजय मेश्राम? संजय मेश्राम का पता तो नहीं, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। मतलब आप प्रमोद गढ़े को जानते हैं? जी जी जी। और सुधीर पारवे को जानते हैं? जी। और इसी दोनों में फाइट रहेगी आपको ऐसा लगता है? फाइट तो इन दोनों में ही रहेगी। अच्छा अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए दोनों में फाइट रहेगी, इस दोनों में से किसका काम आपको पसंद आता है? प्रमोद बाबू। प्रमोद बाबू सोशल वर्किंग करके, सोशल वर्किंग, सब गांव में जाके किसी की परेशानी पूछना। हाँ। किसी से बात करना, घर घर जाके बात करते। अच्छा, सबसे मतलब उनकी लोकप्रियता यहाँ ज्यादा है क्या? लोकप्रियता तो हाँ ज्यादा तो बढ़ गई है अभी तो फिलहाल। अच्छा, वो एक हाईफाई टाइप के आदमी रहते हैं, नॉर्मल बन के रहते हैं? नॉर्मल नॉर्मल, घर घर जाके बात करते। अच्छा, हाँ पूछते रहते। अच्छा, तो सुधीर पारवे वगैरह जैसे भी 5 साल तो आमदार नहीं थे, वो आए नहीं आपके? नहीं। चलिए, ओके भैया, थैंक यू। कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये गांव का नाम क्या है? ऊटी। ऊटी। और उमरेड यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से आएगा आपको 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर यानी 15-20 मिनट का रास्ता होगा। नहीं किया कुछ भी हमारे बस्ती में? आया इसमें सुधीर पारवे आया नहीं इधर। तो कौन किसका काम अच्छा लगता है सुधीर पारवे की जगह आपको? वेड़ेवर। अच्छा, आपको क्या लगता है? वेड़ेवर ब्राह्मी की जी जीव का ये करा था। अच्छा, इसमें से क्या लगता है, आपको क्या लगता है? देंगे पारवे बीजेपी को? देंगे बीजेपी को देंगे। अच्छा, नमस्कार। कौन सा गांव है आप लोगों का? हेटी। हेटी। उमरेड यहाँ से कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर। विधानसभा का इलेक्शन चालू है, सबके प्रचार जोरों शोरों से चालू है। हाँ, और चालू आप लोगों के सामने उम्मीदवार के भी चेहरे समझ में आ गए कि कौन कौन खड़े हैं। किसके किसके इसमें फाइट है उमरेड में? सुधीर पारवे है। हाँ। या तो आए रंग। हाँ हाँ, आना तो ये कहा यार अपना नहीं क्या? हाँ, साड़ी वाला नहीं क्या? साड़ी वाला, साड़ी साड़ा वाटनारा घरडे, साड़ी वाला। हाँ, अच्छा। हाँ, उसको साड़ी वाला क्यों बोलते हैं आप? तो साड़ी बेटा ने सब साड़ी बाटे। हाँ, सब अच्छा किए कि नहीं? अच्छा नहीं किए? नहीं, अच्छे किए बिचारी। अच्छा, कपड़े दिए किसी को तो अच्छा ही किए। हाँ, पैसा ही दिया। नहीं नहीं, लोग तो दारू मटन और शराब देते हैं, कम से कम उसने तो अंग के कपड़े दिया। जो भी है वो उम्मीदवार यहाँ के अच्छा काम किया। अच्छा, इस तो किसके किसके क्या लगता है कौन किसका माहौल ज्यादा ठीक है? नहीं, ये दोनों का ही। दोनों का? सुधीर पारवे का और कमल वाले। कमल वाले का और घर डेगा। घर डेगा, दोनों का माहौल अच्छा है इधर। वो से घर डेगा, घर डेगा, घर डेगा सुधीर पगवा और सुधीर जी का। और घर डेगा का सिंबल क्या है? घर डेगा का कौन सा सिंबल है? कड़ई। कड़ई है? कड़ई। अच्छा, कड़ई है। हाँ। आपको क्या लगता है? अभी तो माहौल वो अपक्ष वाले का है। अपक्ष में कौन? ये अपना घर डे प्रमोद घर डे और अपना कांग्रेस मेश्राम मेश्राम साहब।
दोनों का है। और वो तीरी लड़ा दूंगी सर, मतलब त्रिकोणी लड़ा, त्रिकोणी लड़ा दूंगी। सुधीर पारवे, प्रमोद घरडे और क्या बोलते हैं संजय जी मिश्रा। अच्छा, जैसे घरडे बीजेपी में रहे और उम्मीदवारी की मांग की थी उन्होंने, उन्होंने उम्मीदवारी नहीं मिली तो अपक्ष खड़े हो गए। अपक्ष, अब मेरे को बताइए कि अगर घरडे को अगर पार्टी एक मौका देती चुनाव चिन्ह पे, चुनाव चिन्ह पे तो ज्यादा चुनकर आते थे, चुनकर आते थे, यानी कि सुधीर पारवे से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट प्रमोद घरडे था तो फिर श्योर हो जाता सीट, श्योर, बिल्कुल श्योर आने वाली थी सीट वो। अच्छा, ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन थी। और अभी सिचुएशन में त्रिकोणी लड़ रहा, त्रिकोणी में कोई दो कौन है जो आगे है उसमें? तो अभी फिलहाल में तो साला वो संजय और संजय में मिश्रा और ये अपना क्या बोलते प्रमोद घरडे, इसमें लड़त दिख रही। अच्छा, ग्रामीण भाग में हमारे 10 साल जो है, हाँ, सुधीर पारवे को देखा है लोगों ने, देखा है लोगों ने, मगर वो उनका कोई ऐसा ये काम नहीं दिखा रहा। पहले जैसा प्रचार ही नहीं है, कैसे पहले कैसे होता था जैसे? अरे पहले क्या जुलूस सरिकल लोग लेके चलते थे, एक जमाना वो था, आज के जमाना और आज के जमाना में गाड़ी नहीं दिखती है, ना आदमी दिखता है रोड पर। अच्छा, तो कौन कौन कैंडिडेट खड़े हैं आपको पता है क्या? ये मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम। वो सुधीर भाई शायद पर्वे है, वो कांग्रेस से पता नहीं कौन है, एक और पता नहीं, वो निर्दलीय उम्मीदवार कौन है, नाम हम तो मैं जानता नहीं हूँ, नहीं जानते हैं। अच्छा।